अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो देश के सबसे बड़े विवादित मामले की सबसे बड़ी सुनवाई अयोध्या मामले पर आज 40वां दिन है और सुनवाई शुरू हो चुकी है, जहां पर अयोध्या मामले को लेकर सीजीआई का भी इस दौरान बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बहुत हो चुका है, आज शाम 5 बजे तक इस पर पूरी बहस को खत्म कर लिया जाए। तो तय पक्षकारों के अलावा अब किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उनका सीधे तौर पर यहां पर कहना है कि अब और वक्त इस पूरे मामले को लेकर नहीं दिया जाएगा। तो इससे पहले सीजीआई की तरफ से कहा गया था कि 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली जाए, लेकिन यहां पर एक दिन कम कर दिया गया है, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का वक्त दिया गया है और आज आखिरी दिन, जहां पर तमाम पक्ष अपनी अपनी दलीलों को यहां पर रखेंगे और इसी को लेकर सुनवाई शुरू हो। उससे पहले सीजीआई का बड़ा बयान सामने आया और कहा गया है कि आज शाम 5 बजे तक का पूरा वक्त है और आज 5 बजे के बाद तक इस पर पूरी सुनवाई खत्म कर ली जाए। इसके साथ इन्होंने कहा कि बहुत हो चुका है, अब और ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। साथ ही तय पक्षकारों के अलावा किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी सुनवाई और इंतजार अब सबसे बड़े फैसले को लेकर है, जिससे पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। 70 साल पुराना ये विवाद, जिसको लेकर सुनवाई 6 अगस्त से शुरू हुई थी, 40वां दिन है आज इस सुनवाई का और आज के दिन सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलों को यहां पर रखेंगे। और इस दौरान आपको बता दें कि हिंदू पक्ष से जो दलीलें हैं वहां पर दी जा रही हैं, जहां पर हिंदू पक्ष के जो वकील है वैद्यनाथ, उन्होंने जिरह शुरू की और उसके साथ ही बोला कि मुगलों ने जबरन मस्जिद को बनाया है। तो दलीलें एकाएक करके हिंदू पक्ष के जरिए अभी फिलहाल यहां पर रखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस फैसले को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है, अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई शुरू हो चुकी है, बहस का आखिरी दिन है, आखिरी बार अपनी जिरह अपनी दलीलें वहां पर रखी जाएंगी और उम्मीद अब यही कि 17 नवंबर से पहले इस पर फैसला भी सामने आ जाए, क्योंकि सीजीआई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले जिस तरह से उनकी कोशिशें यहां पर लगी हुई हैं इस विवाद को लेकर, उसमें ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द अब अयोध्या मसले को लेकर सबसे बड़ा फैसला जल्द ही देश के सामने आ जाएगा। तो कोशिशें यहां पर मध्यस्थता की भी की गई, लेकिन मध्यस्थता से कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद अब देश की निगाहें इस पूरे मामले को लेकर, जो लगातार सुनवाई चल रही है। हालांकि इस बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए जो 2.77 एकड़ जमीन है उस पर दावे को छोड़ा जा सकता है और उसको लेकर कहा जा रहा है कि जो याचिका है वो यहां पर दी भी गई है, हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया है और मध्यस्थता पैनल के जरिए ये हलफनामा दायर किया गया है। तो बहुत हो चुका है, अब वक्त, इससे ज्यादा वक्त इस पूरे फैसले को लेकर नहीं दिया जा सकता है, ये कहा है सीजीआई ने। और उम्मीदें अब देश भर की यहां पर यही है कि आखिरकार इस मसले को लेकर, इस विवाद को लेकर फैसला कब आएगा, क्योंकि 70 सालों से ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया है, तारीख पर तारीख इस विवाद को लेकर मिलती गई है, लेकिन कोई भी राह यहां पर आसान नहीं हुई। लेकिन मध्यस्थता के बाद जब कुछ हल नहीं हुआ तो अंत में यहां पर फैसला ये निकाला गया कि अब इस पूरे मामले को लेकर रोजाना सुनवाई होगी, जहां रोजाना हर पक्ष अपनी दलीलों को रखेगा, अपने सबूतों को रखेगा और उसके बाद कोर्ट यहां पर फैसला लेगा इस सबसे बड़े विवाद को लेकर। और आज आखिरी दिन है, 40वां दिन, 6 अगस्त से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। तो इस 40वें दिन जब तमाम पक्ष एक बार फिर से अपनी दलीलों को वहां पर रखेंगे और उसके बाद होल्डिंग ऑफ रिलीफ के तहत यहां पर एक अंतिम मौका, कहा जाता है कि सांत्वना पुरस्कार है ये, क्योंकि अगर पक्ष अपना किसी चीज को लेकर मालिकाना हक यहां पर बताते हैं तो उस पर एक मौका यहां पर दिया जाता है कि अगर सुनवाई के दौरान एक पक्ष के लिए यहां पर पैसा यहां पर सामने आता है तो दूसरे पक्ष को सांत्वना पुरस्कार दिया जाए, यानी कि उसके बदले उसे कुछ चीज दी जाएगी।